उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार ने बड़ा अभियान चला रखा है। ऐसे में ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत पुलिस ने एक बड़े नशा तस्कर को पकड़ा और उसके पास से 3 किलो चरस बरामद किया। चंपावत पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत लगी। पुलिस की एसओजी टीम ने 3 किलोग्राम से ज्यादा चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। चंपावत के पुलिस अधीक्षक देवेन पिंचा ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश अनुसार प्रदेश को आगामी 2025 तक नशा मुक्ति कराने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत ढोली गांव रोड से नशा तस्कर दीवान गिरी को कुल 3 किलो 17 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के खिलाफ NDPC एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। NDF और पार्टी थाना पुलिस ने एक अभियुक्त को लगभग 3 किलो से अधिक के चरस के साथ में गिरफ्तार किया गया है और ये जो अभियुक्त दीवान ये वहीं पार्टी क्षेत्र का ही रहने वाला था। और फिलहाल मैं इसमें ये भी आपको ऐड करना चाहूँगा कि लगातार जो हमारे नशे के खिलाफ जो कार्रवाई लगातार चल रही है और पिछले 15 दिनों में हमने लगभग 7 KG से अधिक चरस और लगभग 30 ग्राम के आसपास हमने इसमें इस बार बरामद की है। तो ये अभियान जो चल रहा है वो लगातार आगे भी चल रहेगा और नशे के खिलाफ जो हमारा काम है जो ये इसके विरुद्ध जो हमारा कार्यक्रम है जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें और अधिक तेजी लाएंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।